विशाल श्रीमद भगवत ज्ञान यज्ञ उपलक्ष्य में मंगल कलश यात्रा 20 अप्रैल 2014 को बठिंडा में निकाली गई। श्री पंचमुखी बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट बठिंडा की ओर से ये कलश यात्रा निकाली गई।
सात तो साढ़े अठ बजे तक होगा तो शाम को सात तो दस बजे तक जो अर्थ था व्याख्या सारी शाम को साढ़े सात होया करो। ये सारा जग शांति वास्ते हो रहा जाके तो जो कि पहले तो बहंडे हर साल होंगे आया तो बहंडे हर हमेशा ही शांति बनी रहती है। शहर के सारे बाजारों में होंगी हुई जग स्थल से ट्रक यूनियन नेड़े हनुमान चौक पहुंची। विशाल 108 श्रीमद् भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जिसमें चैत्र नवरात्रों में मां दुर्गा की 9 पीठ में प्रचलित पवित्र नवयोति के हैं, लोगों ने इसमें दर्शन किए। हर रोज साय 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक संत श्रोमणी अनंत श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंदपुरी जी महाराज ने अपने पवित्र प्रवचनों से संतों को निहाल किया। श्री पंचमुखी बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट बठिंडा की ओर से ट्रक यूनियन नजदीक हनुमान चौक बठिंडा में ये कार्यक्रम हुआ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री ठाकुर का दिन है और आज लगता है देवराज इंद्र भी कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है। और कल तो आप कथा भी सुनने वाले हो ना देवराज की गोवर्धन लीला। अभी आप सुन रहे थे कि आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है और नौका में बैठने के बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस कोई हाथ पैर भी हिलाने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ एक बार नौका से नाविक आपको पार कर देता है। ऐसे ही ये भगवान के नाम की जो नौका है इसका जो आधार बना लेता है बस उसके हृदय की भक्ति को देखा तो व्याधिश्च आचरणम ध्रुवश्च वयो। भगवान ये भी देखते कि अवस्था कितनी आपकी, आप बुढ़े होंगे तभी प्रभु प्रसन्न होंगे, एक बच्चे पर नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ध्रुव की कथा आपने सुनी थी, ध्रुव कितना बड़ा बालक है, छोटा सा 5 वर्ष का बालक है, 3 जगह से टेढ़ी थी उपजा थी त्रिवक्रा और धन संपत्ति भी नहीं देखते। देखो सुदामा के पास कौन सी संपत्ति है, कौन सा धन है, केवल भक्ति देखते, भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। पर यहां एक प्रश्न कर दिया,
महाराजा प्रक्षक ने सुखदेव जी से कि महाराज मैंने देखा कि असुरों के वैसे जीव के कर्मों के ताने बाने से श्री रूपी कपड़ा बना, इसको कहते हैं वासना में उत्या कर्म वासना। तो यहां पर एक प्रसंग सुनाया, सुखदेव जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, भगवान की भक्ति चाहे कोई काम से करे, चाहे कोई द्वेष से करे, चाहे कोई भय से करे, चाहे स्नेह से करे, कैसे भी करे, बस भगवान ईट इसमें हड्डियां चंद श्वासों पर खड़ा है, यह ख्याल आसमान मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना यह इमारत खुद खुद गिर जाएगी, खोज लेंगे। उन्होंने कहा तथास्तु, जा तुझे यह वरदान दे दिया, अब तो उसमें बड़ी शक्ति आ गई, इतना सामर्थ्य आ गया। अब वो आसुरी बुद्धि तो है, देवताओं को पीड़ा देने शुरू करना किया तो पृथ्वी कांपने लगी, पृथ्वी भी देवताओं की शरण में गई, देवताओं ने मिलकर प्रभु को पुकारा तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं आने वाला हूं, इसके घर में ही जो इसका सबसे छोटा बेटा होगा वो मेरा परम भक्त होगा, उसकी रक्षा के लिए मैं प्रकट हो जाऊंगा। अब उसके घर में चार बेटे हैं, सबसे छोटे बेटे का नाम है प्रहलाद, प्रहलाद ब्रह्मपुर से क्या सीख कर आए, पाठशाला में क्या सीखा, कौन सा पाठ सीख कर आए हो? तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैंने तो एक ही पाठ सीखा है। बोले कौन सा? बोले पिताजी ये जो जगत है ये नाशवान है, क्षणभंगुर है, हर चीज मरने मिटने वाली है, नष्ट होने वाली है। ये गारा ने कहा महाराज एक मौका दो, बच्चा है, हम समझाते हैं इसको, शायद समझ में आ जाए, इसकी पकड़ कर फिर लेगा। प्रहलाद जी को गुरुकुल ले गए पाठशाला में। अब तो प्रहलाद जी बच्चों को भी सिखाने लगे कि देखो भाई जब जागोगे तभी सवेरा है, जागो, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। उनको कहने लगे मेरे साथ भगवान का कीर्तन करो जिससे कल्याण होगा। तो प्रहलाद जी उनको भी कीर्तन कराते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, क्रोध में आया कि ये तो हमारे पूरे वंश को ही खत्म कर देगा।